तो फ्रेंड्स, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वालों के लिए। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। कोई भी एग्जाम कंडक्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी यहाँ पे 40,000 रहने वाली है। फ्रेशर्स यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा नहीं गया है और ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब आपका ये रहने वाला है, तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपसे मैच कर जाती है तो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे दूसरों की हेल्प हो जाएगी और कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ। और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी वापस आ चुका है इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस को लेके, जिसमें आप खुद को एनरोल करके जीत सकते हैं 1.8 करोड़ से भी ज्यादा के स्कॉलरशिप। इस फ्री टेस्ट के लिए एलिजिबल ब्रांचेज हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपका होने वाला है 21 मार्च मॉर्निंग 11 बजे। इस टेस्ट के पेपर को सेट किया गया है इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। और आप यहां लाइव एग्जाम देते हो तो आपको ऑल इंडिया बेसिस पे रैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप खुद के परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे। फिर आप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव भी कर सकते हैं डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस को देख के। तो जाके एनरोल जरूर करें और मेरा कोड CIVIL को जरूर यूज कीजिएगा, इससे आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को फ्री में दे पाओगे। तो ये है NBCC इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पे आ जाओगे NBCCIndia.com, ठीक है, ये ऑफिशियल पेज इनका आ जाता है। तो इस वेबसाइट पे जैसे आप आते हो, यहाँ पे देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, इसके कैटेगरी में आप देखोगे करियर का ऑप्शन है। करियर में जाओगे तो career@NBCC लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज खुल के आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इलेक्ट्रिकल डाला हुआ है। यहाँ पे PDF का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। मैंने पहले से लिख के रखा है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखे हुए हैं ताकि आपका कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी आई हुई है NBCC इंडिया लिमिटेड में, जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज अंडरटेकिंग है, ठीक है। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इंडिया या इंडिया के बाहर भी भेजा जा सकता है, ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब चलिए नेम ऑफ पोस्ट स्केल पे सब देख लेते हैं, नंबर वैकेंसी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आपका सैलरी यहाँ पे सिलेक्शन के बाद हो जाएगा 40,000। टोटल पोस्ट यहाँ पे 25 निकाला गया है, जिसमें अनडिजर्व वालों के लिए 11 है, ओबीसी वालों के लिए 7 है, SC वालों के लिए 5 है और EWS वालों के लिए 2 है, ठीक है। अपर एज क्लोजिंग डेट की बात करें, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए यहाँ पे, वो 29 ईयर्स है। और इजेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 60% मार्क्स के साथ, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों का देखोगे तो आपका सेम यहाँ पे स्केल रहने वाला है। टोटल यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे 10 रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट 29 है और यहाँ पे भी आपका फुल टाइम BE BTEC होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे और आपका 60% मार्क्स भी यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, उसी के मोड के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। आपको कोई भी ऑफलाइन यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 22 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये www.nbccindia.com पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आया हुआ है, लेकिन जब ये आ जाएगा तो मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि कहां से आपको अप्लाई करना है। फिलहाल के लिए और बाकी सब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए यहाँ पे। और इसका जो फाइनल डेट रखा गया है अप्लाई करने का, वो 21 अप्रैल रखा गया है। तो अच्छा खासा आपको एक महीना का यहाँ पे समय मिल जा रहा है अप्लाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रख लेनी पड़ेगी जब आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गए, ठीक है, आपके एलिजिबल जो भी सर्टिफिकेट है और आपका यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है।
अप्लाई करने से सिर्फ नहीं चलेगा, आपका यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर कार्ड एक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट रखा गया है वो 500 रुपीज रखा गया है जनरल वालों के लिए, और जो SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो जो ग्रेड 2020 एग्जामिनेशन में अपियर किए हुए हैं वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और आपका एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन में, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपने अपने डिपार्टमेंट पे। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो आपके गेट के स्कोर कार्ड के हिसाब से और आपके मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पे, तो आपको पहले जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे या परमानेंट कैंडिडेट्स होंगे उन लोग को यहाँ पे एक साल तक यहाँ पे प्रोविजन पीरियड पे रहना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पे सक्सेसफुली अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव का रोल दिया जाएगा और 40,000 की सैलरी आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो ये सैलरी तो आपका रहेगा ही, उसके ऊपर आपके बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे DA HRA हो गए, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो जाती है, ग्रेच्युटी है, बहुत कुछ, वो सारा चीज आपको ऊपर से मिलने वाला है यहाँ पे। और आपको ट्रेनिंग के दौरान भी ये पैसा मिलने वाला है 40,000 पर मंथ का, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ट्रेनिंग के दौरान ही आपको बेसिक पे के साथ साथ आपको जो DA HRA पर्क्स एंड अलाउंसेस ये सब होती है वो सब भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले एक श्योरिटी बॉन्ड का साइन करना पड़ेगा कि 3 साल तक आपको इस कंपनी को सर्व करना पड़ेगा एटलीस्ट, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो, नहीं तो आपको 1.5 लाख का यहाँ पे फाइन भरना पड़ सकता है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन लोग को ईमेल के थ्रू ही सिर्फ बताया जाएगा और किसी भी मोड के थ्रू बताया नहीं जाएगा, तो ईमेल को रेगुलर चेक करते रहिएगा। तो जो भी एलिजिबल है वो लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है, सैलरी बहुत अच्छी है और बाहर जाने का मौका भी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा, जिनका श्योर है कि हो सकता है वो लोग अपना पासपोर्ट अगर नहीं बनाया तो वो भी बना के रख लो, क्या पता बाहर हो जाए तो आप लोग को बाहर जाना जा सके। जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आप लोग के लिए फिर से डाल दूंगा, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।